हम लोग को एक चीज़ समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कॉन्सेप्ट समझना है। मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं, एक क्यू रख लीजिए और उससे कुछ दूरी पे क्यू नॉट, ये दो चार्जेस हैं, एक दोनों पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बराबर फोर्स से रिपेल करेंगे। अगर वो इस पर 10 न्यूटन लगा रहा है तो वो भी उस पर 10 न्यूटन लगाएगा, ये नहीं कि कम बेसी। ये ऐसा हो सकता है कि इसका चार्ज की वैल्यू इससे काफ़ी ज़्यादा हो, ये बहुत कम, ऐसा भी पॉसिबल, लेकिन फोर्स इक्वल लगाएंगे। ये कुछ दूरी पे हैं, आर दूरी पे, तब भी फोर्स लगाएंगे बिना छुए। एक चार्ज बिना छुए, जैसे मोस्टली हम लोग किसी को फोर्स लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, जैसे इसको धक्का लगाया तो लगा कि हाँ फोर्स लगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाया, रिपेल किया बिना छुए, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे कई केसेस हैं, सिर्फ चार्जेस नहीं, अर्थ भी हम लोग को अट्रैक्ट कर रही है, जैसे ये है, इसको अर्थ खींच रही है बिना छुए, खींच रही है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं बिना छुए। तो ये चीज़ को इसको एक्सप्लेन किया जाता है और कहा जाता है ये एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी एक फोर्स है वो भी दूरी पे, दूरी से ही, दूर से ही एक्शन हो रहा है, एक्शन है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फील्ड कॉन्सेप्ट इजाद हुआ, फील्ड कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करती है, एक चार्ज जो उसने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करती, और उस फील्ड की एक खूबी ये है कि इस चार्ज की जो फील्ड है, और ये फील्ड कहाँ तक है, बहुत दूर तक है, ऐसे सोचिए अभी, इसके फील्ड बहुत दूर तक है, एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है, और उस फील्ड की ये खूबी है कि उस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, भले छुए हुए नहीं मतलब है, तो इसकी फील्ड जहाँ तक रहेगी वहाँ तक अगर कोई चार्ज आया तो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये चार्ज नहीं, एक बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब चारों तरफ अपने रोशनी पैदा किया है, उस रोशनी में, इसकी बल्ब की रोशनी में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो वो रोशनी का काम है उसको दिखा देना कि हाँ देखो ये चार्ज आ गया। एक जैसे इस कमरे में ये एक सोचे ट्यूबलाइट है, इट इज सोर्स ऑफ लाइट, हर जगह रोशनी है, इसके पास रोशनी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके दूर जाएंगे रोशनी कम होगी, लेकिन इसकी रोशनी में कोई भी चीज़ आएगी तो रोशनी का काम है कि उसको दिखा देना कि देखो कोई है इसमें। अभी स्विच ऑफ कर दें, बल्ब लाइट ख़त्म, कोई भी आएगा कोई पता नहीं चल पाएगा, दिख ही नहीं पाएगा। तो इसका काम क्या है कि इसकी रोशनी में, इसकी ट्यूबलाइट के फील्ड में कोई भी काम आएगा, कोई भी आ जाए तो फील्ड उसको दिखा देती है। ये इसकी फील्ड यानी इस ट्यूबलाइट की जो फील्ड है, जिसको रोशनी मैंने कहा, उसका काम था दिखाना। चार्ज की जो फील्ड रहेगी उसका काम है फोर्स लगाना, जो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस फील्ड का काम है कि उस फील्ड में कोई भी दूसरा चार्ज आए तो वो फील्ड उसमें फोर्स लगाएगी। तो जैसे ये ट्यूबलाइट है, इसको हमने कहा चार्ज है, और इसकी रोशनी को हमने कहा फील्ड है, तो जैसे इसके नज़दीक रोशनी ज़्यादा है, दूर रोशनी कम है, तो रोशनी कम है तो कम साफ दिखेगा, रोशनी ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखेगा। उसी तरह इसका फील्ड भी है, जब फील्ड जितना इससे दूर जाओगे फील्ड वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो जब वो कोई चार्ज उस जगह आएगा तो वो फोर्स लगाएगी लेकिन कम लगाएगी। तो इसका मतलब जो चार्ज की फील्ड होती है उसको अगर मेजर करना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि फोर्स ज़्यादा लगाए तो कहेंगे फील्ड स्ट्रांग है, फोर्स कम लगाएगी तो हम कहेंगे फील्ड वीक है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन देते हैं, लिखते हैं, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्जेस ना, इन विच द स्पेस, यानी उसके चारों तरफ का स्पेस, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्जेस experiences an electric force is called electric field, यानी उस स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये नापा कैसे जाएगा,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नापा कह जाएगा, हमने कहा कि वो जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगी। जैसे इसकी फील्ड यहाँ पे भी होगी, इसकी फील्ड यहाँ पे भी होगी, इसकी फील्ड यहाँ पे भी होगी, हर जगह होगी। तो हम कैसे नापेंगे? हम वहाँ पे एक चार्ज रखेंगे और उस चार्ज पे फोर्स नापेंगे। अगर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो हम कहेंगे फील्ड वहाँ स्ट्रांग है। ठीक, अब तुम्हारे पास एक बात बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे हमने रखा दो कूलाम चार्ज और उस चार्ज पे फोर्स लगा, उस चार्ज पे जो दो कूलाम रखा उस पे चार्ज पे फोर्स लगा मान लीजिए 120 न्यूटन। ठीक, 120 न्यूटन। यहाँ पे हमने रखा पाँच कूलाम चार्ज यहाँ पे रखा इसके पास में, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स इस पे लगा मान लीजिए 700 न्यूटन। अब हम पूछें तुमसे कि ये बताओ यहाँ फील्ड स्ट्रांग है कि यहाँ फील्ड है, तो तुम एक बात ये सोचो, सुन लो ऐसे, ये एक एक कुलाम करके दो 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 कुलाम है ना, तो कहने का ये मतलब है कि एक कुलाम इस पे कुछ फोर्स लगा होगा, कुछ इस पे फोर्स मिला के इतना है, और यहाँ पे एक एक करके पांच है तो सब पे फोर्स जोड़ के इतना है। तो तुम कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होगा कि यहाँ चार्ज की वैल्यू अलग अलग लिया, ठीक है। जैसे ये वही बात हो गई कि दो लीटर दूध का दाम 120 रुपया है, 5 लीटर का दूध 700 रुपया है, तुमसे पूछा जाए कौन दूध सस्ता कौन महंगा है, तो तुम कन्फ्यूजन रहोगे, सोचोगे पहला काम क्या करोगे, 1 लीटर दूध का दाम निकालोगे। तो इसीलिए अगर हमें फील्ड कंपेयर करना है तो हम फोर्स कितने कूलाम पे निकालेंगे, दो कूलाम की पाँच कूलाम पे, कितने पे, एक कूलाम पे, राइट। तो हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है कि कितना पावरफुल है तो हम नापते हैं उस जगह पे एक कूलाम चार्ज रखेंगे और उस पे फोर्स नापेंगे। जितना फोर्स ज़्यादा रहेगा उतना वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, और यूनिट कूलाम चार्ज पे, एक कूलाम चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की हमें पावरफुलनेस बताएगी कि कितना पावर है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर किसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक क्यू नॉट चार्ज रखा और इस पे फोर्स लगा हमारा F, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नापे जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इतने चार्ज पे, इतने कूलाम चार्ज पे इतना न्यूटन फोर्स लगा, तो एक कूलाम पे कितना लगेगा, डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो होगी E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह की। भाई हर जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगी क्योंकि फील्ड हर जगह अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट, एक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वी पुट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एंड मेजर द फोर्स ऑन इट ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज ये फार्मूला हो गया एक तरह से। यूनिट इसकी जो होगी न्यूटन पर कूलाम होगा, जो हम लोग एसआई यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। यानी सोचिए कि ये फील्ड है, अब यहाँ पे एक चार्ज लेके आएंगे तो उसमें फोर्स लगेगा। अच्छा, ये फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, किसी चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, और उसके फील्ड को नापने के लिए कि वो कितनी स्ट्रांग है तुम एक दूसरा चार्ज ले आ रहे हो। सपोज आपने यहाँ क्यू नॉट लेके आए, अब इसे फोर्स नापेंगे तो ये जो फोर्स है F है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, F बाई क्यू नॉट। लेकिन जरा इसको एक चीज़ ऐसे समझते हैं कि फील्ड चार्ज ही प्रोड्यूस करता है, उस फील्ड को नापने के लिए तुम दूसरा चार्ज ले आए हो। अब इसको ऐसे सोचिए कि एक कमरे में एक रोशनी है, रोशनी मतलब फील्ड,
और वो फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, रोशनी कौन प्रोड्यूस करता है, बल्ब, ट्यूबलाइट या कैंडल, जो भी समझ लीजिए, जो भी रोशनी पैदा कर रहा हो, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज। और तुम उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, इंटेंसिटी नापने के लिए दूसरा चार्ज ले आ रहे हो। यानी एक कमरे में आप ऐसे इमेजिन करिए, एक कमरे में प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है, और वो बल्ब, ट्यूबलाइट, जो कि सोर्स ऑफ क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। फील्ड का क्या सोर्स ऑफ लाइट है, चार्ज। तो उसी तरह तुम यहाँ पे अगर लाइट है और तुम इसको नापने के लिए एक कैंडल लेके आए हो, जो कि लाए हो ना भाई, तुमने चार्ज ही ना लाया, तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी प्रोड्यूस करेगा, हर चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एक कमरे में तुमने रोशनी नापनी है, जो पहले से है, ट्यूबलाइट व्यूबलाइट की है किसी, उसको मेजर करने के लिए तुम दूसरी एक कैंडल लेके आए, या छोटा सा कोई भी चार्ज लेके आए, जो खुद सोर्स ऑफ लाइट है। तो जो कमरे में पहले से रोशनी है जिसको तुम्हें नापना है, और ये एक और रोशनी लेके आए, तो कमरे की जो रोशनी है वो चेंज होगी कि नहीं। अब उसी चीज़ को यहाँ समझते हैं, ये एक एनालॉजी थी, एक सिमिलर एग्जाम्पल था। एक चार्जेज हैं, बहुत सारे चार्जेज हैं, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए हैं, उनको नापने के लिए तुम दूसरा चार्ज ले आओ जो खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो क्या इसके प्रेजेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मेजर करना है वो चेंज नहीं हो सकती? हो सकती। तो तुम उस चेंज को कैसे मिनिमाइज करोगे कि ज़्यादा बदलाव ना आए, इस चार्ज की वैल्यू कम से कम रखोगे, इस चार्ज की वैल्यू कम से कम रखोगे तो इसकी खुद की फील्ड जो रहेगी इतनी कम होगी कि जो पहले से फील्ड है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए जो ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, F बाई क्यू नॉट, उससे पहले लिखा जाता है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। ये इसका मतलब ये है कि इफ यू टेक द टेस्ट चार्ज एज स्मॉल एज पॉसिबल, the measured value of electric field intensity at that point will be more accurate, will be more nearer to the exact value. है कि नहीं भाई? जब क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तुम, तो एक कूलम पे लगने वाला फोर्स तो निकल ही जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि पांच कूलम पे फोर्स लगा 100 न्यूटन, तो एक कूलम पे लगेगा 20 न्यूटन। उसी तरह अगर तुम 0.25 कूलम पे कोई फोर्स है, मान लीजिए 10 न्यूटन, तो एक कूलम से जब डिवाइड करोगे इसको 0.25 कूलम से, तो ऑटोमेटिकली एक ही कूलम पे लगने वाला फोर्स निकलेगा, कितना आएगा ये 40 न्यूटन पर कूलम। तो कहने का मतलब ये क्यू नॉट छोटा होगा, कितना भी छोटा रहे, लेकिन जब डिवाइड करोगे तो तुम्हें एक ही कूलम पे लगने वाला फोर्स निकलेगा। तो फर्क तो है नहीं, लेकिन हाँ, इसके छोटा होने से तुम्हारी जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोर एक्यूरेट होगी, क्योंकि इसके प्रेजेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे पहले से है वो ज़्यादा उसमें तब्दीली या चेंज नहीं आएगी। तो ये एक आइडिया रहा कि अक्सर आप बुक में देखेंगे कि क्यू नॉट टेंस टू जीरो लिखा रहता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्जेस या कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी, है ना? तो उसको हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं कि पहले एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर कई ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वेक्टरली ऐड करना सीखेंगे, ये सारी चीज़ें।